हम पहुंच गए हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल यानी कि केरला। अभी हम चलेंगे होटल और उसके वहां पे फ्रेश होके फिर जाएंगे हमारा लोकेशन वन पे। चलते हैं होटल पे अभी। इफेक्ट ऑफ तबीयत खराब एंड अमृतांजन एंड ब्रिक्स लेपोनो। और रास्ते में जाते जाते इनका एक अनोखा डिश दिख गया जो कि केला और नारियल में, और ये है इनका सारा अपना डिफरेंट नेम वाला वही डिश। अभी हम है होटल पर, सब नहा लिया है, थोड़ा फ्रेश हो गए हैं हम। लेकिन ये होटल मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये छोटा सा रूम है, ये ट्रेन डब्बा जैसा, दो चार रूम दो चार बेड डाल के हो गया है। और उसका चार्जिंग पॉइंट ये नीचे बक्सा के अंदर है। और ये एसी वाला है और एक रूम जो है नॉन एसी वाला है, तो वहाँ तो सफोकेशन होगा ही, वेंटिलेशन का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम यहाँ पे आज एक दिन के लिए रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे चलेंगे दूसरे होटल में। और आज ये भगवान वो वीडियो कौन सब खाने दिन चिंता करिया कथा नहीं, आगो पछो आगो किए देखी आज सब पैसा दे दे मु खाई दिए तो। अभी बज रहे सुबह के 9, हम सब रेडी होके फिर यहाँ पे होटल पे बैठे हैं खाना खा के फिर जाएंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे शायद मतलब बोलना अलाउ नहीं होगा, तो मैं सिर्फ वीडियो अगर कर सकती हूँ तो करूँगी। लेकिन यहाँ खाना बहुत एक्सपेंसिव है और टेस्ट भी नहीं है केरला में। सैड लाइफ। तो अभी हम पहुंच गए हैं कॉलेज में। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे अंदर जाने के लिए मास्क का मैंडेटरी है। तो कुछ लोग तो मास्क लेके आए थे, लेकिन हाँ ज़्यादातर बच्चे मास्क हमने नहीं लाए थे, इसलिए मास्क अभी आया बाहर से खरीदे सबके लिए, फिर हम अंदर जाएंगे। ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे मेडिसिन स्टोर है। तो ये उनका ओपीडी एरिया है जहाँ पे पेशेंट बाहर वेट करते हैं सारे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जहाँ पे जाने के लिए। मॉर्निंग आवाज चल रहा है अभी। फिर हमारे पूरा बैच अपने हमारे टीचर्स के साथ हम सारे डिपार्टमेंट अभी घूमने जाएंगे। पहला ये संहिता डिपार्टमेंट है जहाँ पे उनका पीजी स्कॉलर भी थे। नेक्स्ट ये द्रव्यगुण का डिपार्टमेंट है। ये पूरा हॉल जो है आइदर फ्रेश ड्रग और ड्राई ड्रग सारे प्रिजर्व होके यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट ये एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है। ये एनाटॉमी का प्रैक्टिकल हॉल है जहाँ पे उनका सारे ऑर्गन्स प्रिजर्व भी थे। फिर ये बोन का रिजर्वेशन है, सारे बोन यहाँ पे स्टोर थे। और जाते वक्त ये आई लव एनाटॉमी का क्यूट सा एक स्टैंड भी दिखा हमको। फिर हम कैडावर देखने आए हैं अभी, जहाँ पे उनका एक मेल और एक फीमेल दो कैडावर है यहाँ पे। जहाँ पे प्रिजर्वेशन टैंक था ये वही वाला हॉल है एनाटॉमी का। लाइब्रेरी कैंटीन एगुड़ा सब बैठे।
फिर नेक्स्ट हम गए रसशास्त्र डिपार्टमेंट, जहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर होता है। इस हॉल में बहुत सारा मशीन था और फर्मेंटेशन से जो मेडिसिन प्रिपेयर होता है ये सारा फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है और फर्मेंटेशन में रखा गया है कंटेनर मिट्टी के अंदर। तेल यहाँ पे बनाया जाता है जो मेडिसिन के लिए बाद में यूज़ होगा। और इस रूम में सारे इंस्टेंट जो पेशेंट को चाहिए होता है, जैसे काढ़ा हो गया, जितना भी उनका खाना वगैरह जो दिया जाएगा वो इंस्टेंट जो होगा वो इस रूम में होता है। इस रूम में सारे मशीन से जो ड्रग्स को पाउंडिंग करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर, और ये रूम पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए है। ये ड्रग टेस्टिंग लैब है जहाँ पे सारे ड्रग्स बनाने के बाद यहाँ पे टेस्ट होता है, जैसे कि सर ने बताया कोई टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन हो, प्रिपरेशन ठीक से हुआ है या फिर नहीं, कि पेशेंट को दिया जा सकता है या फिर नहीं, ये सब यहाँ पे टेस्ट होता है। नेक्स्ट एक म्यूजियम टाइप था जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आयुर्वेद में यूज़ होता है सारे यहाँ पे एक मॉडल जैसा करके रखा हुआ था। हम गए ENT के डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आई टेस्टिंग भी चल रहा था, एक पेशेंट का मैम कर रहे थे। फर्स्ट OT हमने देखा ENT के डिपार्टमेंट का। फिर पूरा ग्राउंड और अपर फ्लोर घूम के ये बिल्डिंग हमने घूम लिया था। ये उनका फाइनली हम OPD पे आ चुके हैं और अभी आफ्टरनून भी हो चुका है। पेशेंट जितना भी जो डिपार्टमेंट गए हैं उनका वहाँ पे LED पे मेंशन रहता है नंबर, और ऑर्थो का डिपार्टमेंट में हाईएस्ट हमने उस दिन देखा 100% थे वहाँ पे। यहाँ पे मैम हमें दिखा रहे हैं कि डिफरेंट आई के लिए जो सीन है हॉस्पिटल में वो क्या क्या यूज़ होता है, कैसे यूज होता है, वो बता रहे थे हमको। थैंक यू। ये नेक्स्ट OT था वहाँ पे। एक आधा कॉलेज घूमने के बाद हालत बिल्कुल खराब है और वो मैं जा रही हूँ बस्ती, सब ले जाऊंगी। हमारे सबका हालत बहुत खराब है, वो स्ट्रेच कर रहा है मेरे। ये कॉलेज बहुत बड़ा है और सारे डिपार्टमेंट में घूमने के लिए भी बहुत सारा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट ये है रोग निदान डिपार्टमेंट यानी पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट। सारे इनके सारे डिपार्टमेंट में PG स्कॉलर के लिए बहुत अच्छे से सारे अरेंजमेंट्स हैं
या फिर यूजी के लिए प्रैक्टिकल्स हॉल भी बहुत ही वेल इक्विपाइड है। ये यूजी का ये उनका रोग निदान का प्रैक्टिकल हॉल है। ह्यूमन ऑर्गन यहाँ पे भी प्रिजर्व्ड है। नेक्स्ट हम गए बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और ये डिपार्टमेंट में हमने ऐसे बहुत सारे मशीन्स देखे जो कि एकदम माइंड ब्लोन करने वाला मशीन है। बहुत एडवांस बहुत सारे मशीन्स थे बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। मोर देन 5 करोड़ तो ये कॉलेज का बुक स्टोर है। बुक स्टोर मतलब आप यहाँ पे आके जो बुक आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे, फिर अच्छा लगा तो यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फिजियोलॉजी का लैब है। कैंपस घूमने के बाद वो उनका दूसरा जो कैंपस है वो हम उनके बस से ही उनके बाद घूमने गए। आयुर्वेदा जिसके लिए जाना जाता है पंचकर्मा, इस सारे बिल्डिंग में यहाँ पे पंचकर्मा ही होता है। ये उनका ओपीडी है, फिर उनका फार्मेसी। हम जब तक गए थे लगभग 4 बज गया होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग थे जो यहाँ पे एडमिट हुए हैं। उन लोग कुछ लोग को हमने देखा वहाँ पे। यहाँ पे पेशेंट का चल रहा था पंचकर्मा थेरेपी। वहाँ पे देखने के बाद हम अगाध्य तंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट आए थे। यहाँ पे सारे लाइवली जितने स्नेक्स वगैरह वो हमने देखा वहाँ पे। फाइनली हम आ गए प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग के डिपार्टमेंट पे यानी कि गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे, और यहाँ पे कौमारभृत्य यानी पेडियाट्रिक्स भी थे। ये गायनिंग और पेडियाट्रिक्स दोनों के लिए ये उनका हॉस्पिटल था। पहले मैम ने हमें कॉलेज के बारे में बताया कि ये ओनली हॉस्पिटल है जिसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ट्रीटमेंट होता है केरला में। फिर उसके बाद ये उनका पीजी स्कॉलर जो हैं वो हमको पेशेंट दिखा के सारे उनके कंडीशंस के बारे में और क्या उनका थेरेपी वहाँ पे चल रहा है, क्या मेडिकेशन चल रहा है, सारे वो हमें इंडिविजुअली समझाए। और ये पार्ट आई थिंक हमें सबको बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से वो बता रहे थे, उनका जिस तरह से उनका सारे चीज़ जो क्लियर था उनके माइंड में, तो आई थिंक हम सबको यही पार्ट आज दिन भर में यही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम आए पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जहाँ पे काढ़ा सबको फ्री में दिया जा रहा था। हम लोग ने काढ़ा थोड़ा पिया, और आपको तो जैसे पता है मंदिर में फ़ोन वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, और ये तो एक बहुत फेमस टेम्पल है। यहाँ पे हम जब अंदर गए तो सोने में सारे चीज़ थे। This is the branch for today to हम किशोर जा रहे हैं, उससे पहले ये है ब्रंच हमारा बिरयानी, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है।